अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2B बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए पार्ट हमारे पास क्या है? 1/2 + 1/4, इस डैश का मतलब अब हमने बेटा ये बताना है ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं या नहीं। 1/4 + 1/2, अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करके हमें इजीली पता चलेगा कि दोनों वैल्यू, अगर दोनों के आंसर सेम आ गए ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, अगर दोनों दोनों के आंसर सेम नहीं आते ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी बेटा। अब देखिए, पहले हमने दोनों साइडें सॉल्व करते हैं बेटा। 1/2 + 1/4 और 1/4 + 1/2। अब आपके माइंड में इसका एलसीएम नहीं आ रहा, एलसीएम का नहीं पता चल रहा बेटा। हमने 4 और 2 को फैक्टराइज किया, फैक्टर बनाए, उतनी देर तक हम इन वैल्यू को बेटा डिवाइड करेंगे। यहाँ जो मैंने साइड में लिखा हुआ है इधर, यहाँ तक नीचे 1 1 ना आ जाए। पहले हमने 2 पे 4, 2 टू द 4, 2 1 द 2 आ गया। यहाँ तक 1 1 ना आ जाए उस वक्त हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर 2 1 2 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 1/2, वो 1 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। साइड में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 आ गया, 2 टू द 4, 4 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये 2 इस 4 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, 2 टू द 4, जो इसका आंसर आएगा, जो इस जो जे वैल्यू डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 2 टू द 4, इसका आंसर 2 है, तो ये वो 2 फिर ऊपर वाली वैल्यू इससे 1 से आकर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 2 मल्टीप्लाई 1। फिर प्लस ये 4 देखें, 4 4 इस 4 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 1 बार डिवाइड कर रहा ना, 4 4 को 1 बार डिवाइड कर रहा, हमारा आंसर 1 आ गया। 1 फिर इस वैल्यू ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 1 × 1 आ जाएगा। आगे इसको सिंपलीफाई करें, 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 + 1 कितने होते हैं, 3 3/4 हमारा आंसर आ गया। अब दूसरी साइड भी सॉल्व करते हैं बेटा, उसका एलसीएम भी 4 आएगा, क्योंकि वो भी सेम वैल्यू वही है, 4 एलसीएम। अब ये 4 4 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 1 टाइम 1, फिर उसका आंसर 1 आया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 प्लस फिर 2 4 को कितनी बार डिवाइड कर रहा, 2 टाइम डिवाइड कर रहा, 2 टू द 4, इसका आंसर क्या आया, 2 2 2 4 को कितनी बार डिवाइड किया, 2 टाइम, हमारे पास इसका आंसर 2 आया, 2 ऊपर वाली वैल्यू से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 1 × 1 1 प्लस 2 1 ज़ा 2। आगे इसको सिंपलीफाई किया और 1 + 2 कितना होता है, 3 3/4। अब ये देखें, हमारे पास इन दोनों की साइडें बिल्कुल सेम आ गई, बराबर आ गई, तो क्या हुआ, ये दोनों साइडें इक्वल है। हम लिखेंगे 1/2 + 1/4 इक्वल है 1/4 + 1/2, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। इससे अगला क्वेश्चन देखें बेटा, बी पार्ट, -3 + -4, आगे डैश बताना है ये इक्वल है या नहीं इक्वल। फिर बेटा -4 + -3, दोनों साइड सॉल्व करते हैं बेटा, -3 + -4 - 4 + -3 हमारे पास ये वैल्यू बढ़े। हमें ये पता है जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -3 - 4। अगर वैल्यू बेटा, अगर आपके पास जितनी मर्जी वैल्यू, उनके साइन सेम है, वैल्यू को ऐड कर देती है, इन दोनों का साइन सेम है, साइन नेगेटिव का रहेगा, वैल्यू को ऐड कर देंगे, 3 और 4 कितना हो गया, 7 आ गया। जितनी मर्जी वैल्यू हो, अगर उनका साइन सेम है तो साइन वही रहेगा जो उनका गिवन मौजूदा होगा आपके पास, और वैल्यू सभी को ऐड कर देंगे, 3 और 4 7, नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव आपके पास आ गया। नेक्स्ट मैटर, प्लस माइनस माइनस, -3 - 4 और -3 कितना हो गया, -7, वो दोनों को साइन सेम थे, नेगेटिव का साइन, 4 और 3 को ऐड किया, हमारा आंसर 7 आ गया। अब दोनों साइडें हमारी इक्वल आ गई, -7 और -7, इसका मतलब क्या हुआ, वह -3 + -, इक्वल है -4 + -3, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। अब इसे अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा ई पार्ट, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखिए, -2 × -1/2 - -3/4, -2 × -2 - -1/2 - -3/4, दोनों साइडें सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों साइडें आपस में इक्वल है या नहीं है। -2 × -1/2 × -3/4, फिर -2 × -1/2 × -3/4, पहले साइड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, -2 एज इट इज़ वैसे
एज इट इज़ वैसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा वो तो प्लस हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई। वन थ्री ज़ा थ्री आ गया और टू फोर ज़ा एट हमारे पास आ गए, थ्री ओवर एट। अब टू माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री ओवर एट, माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये टू मल्टीप्लाई इधर एट डिवाइड हो रहा है, तो देखें टू एट को डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, टू फोर ज़ा एट क्या हो गया, टू फोर ज़ा एट हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस थ्री ओवर फोर, अगर टू एट को डिवाइड कर रहा था। अगर डिवाइड ना कर रहा था फिर इसने ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाना था। अब ये डिवाइड कर रहा था टू फोर ज़ा एट, हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस थ्री ओवर फोर। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टू डिवाइड हो रहा है, आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, वन, फिर मल्टीप्लाई माइनस थ्री ओवर फोर। माइनस थ्री ओवर फोर को वन से मल्टीप्लाई कराया, थ्री ओवर फोर वन था थ्री ओवर फोर, हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस थ्री ओवर फोर। क्योंकि किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें दोबारा वही वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब ये देखिए दोनों साइडें इक्वल आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। अब इसका देखिए एच वाला पार्ट बेटा, डिवाइड वाला, फोर डिवाइड ब्रैकेट टू डिवाइड थ्री डैश, मतलब बताना है ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है, टू डिवाइड थ्री डिवाइड फोर, दोनों साइड को अलग अलग बेटा हमने सॉल्व किया, फोर डिवाइड टू टू आपके पास आ गई वैल्यू डिवाइड थ्री। सबसे पहले ब्रैकेट वाले इसको डिवाइड किया, टू डिवाइड आके आ जाएगा टू ओवर थ्री का मतलब वो ओवर में चेंज होगी, डिवाइड का मतलब भी ओवर होता है, टू ओवर थ्री लिख लिया हमने। आगे देखिए बेटा यहाँ पे डिवाइड का निशान है, साइन डाइड डिवाइड का साइन है, तो हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, फोर डिवाइड टू ओवर थ्री, फोर डिवाइड टू ओवर थ्री। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इस वैल्यू को अब रेसिप्रोकल कर देंगे, ये साइन डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइन डिवाइड का, यहाँ पे हम थ्री को ऊपर ले गए और टू को नीचे ले आए, तो ये साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया बेटा। फोर मल्टीप्लाई थ्री ओवर टू होगी वैल्यू, देखें टू फोर को कितनी बार डिवाइड कर रहा, टू टाइम कर रहा है, टू टू ज़ा फोर, फिर टू को थ्री से मल्टीप्लाई कराते हैं, टू थ्री ज़ा आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिक्स। अब अगली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, टू ओवर थ्री डिवाइड फोर, इस वैल्यू को हमने ओवर की फॉर्म में लिख लिया, मतलब डिवाइड को हम ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं, वो ओवर की फॉर्म ही होती है डिवाइड, टू इसका मतलब टू डिवाइड थ्री है और इसका मतलब टू डिवाइड थ्री है। फिर फोर आ रहा है बेटा डिवाइड फोर, फोर का हम रेसिप्रोकल में कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू उसके नीचे, कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसके नीचे ऑलरेडी वन है। अब इसको जब हमने रेसिप्रोकल किया, इस वन ऊपर चला गया, फोर नीचे आ गया और दरमियान में साइन क्या आ गया, प्लस का साइन हमारे पास दरमियान में आ गया। दरमियान में हमारे पास कौन सा साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब देखिए बेटा टू ओवर थ्री डिवाइड फोर हमारे पास वैल्यू, फिर ये टू ओवर थ्री वैसे रहेगा, फोर बेटा फोर के नीचे ऑलरेडी वन होता है, फोर ये वन ऊपर चले जाएगा, फोर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो वैल्यू अपोजिट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ओवर की फॉर्म में, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। मल्टीप्लाई अब देखिए ये टू, देखिए टू फोर को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, टू टू ज़ा फोर, हमारा आंसर क्या आ गया, टू आ गया। अब देखिए ऊपर ऊपर हमारे पास वन बच गया, इधर भी वन, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, वन वन ज़ा वन और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू थ्री ज़ा सिक्स। अब हमारे पास देखें इधर आंसर हमारा सिक्स आ रहा और इधर आंसर हमारा हमारे पास क्या आ रहा, वन ओवर सिक्स आ रहा, तो दोनों साइडें इक्वल नहीं आई, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइडें इक्वल नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ये लिखेंगे और नॉट इक्वल लिखेंगे, ये इसका मतलब है नॉट इक्वल, और टू डिवाइड थ्री डिवाइड फोर, ये आप दोनों आपस में इक्वल नहीं है बेटा। जी बेटा उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ बेटा मुझे बता देना, वो दोबारा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँगा। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।